So friends, yesterday we have seen the formulations for moment of inertia of different bodies. Now remaining, today we will try to come. I think remaining is rectangular laminar body, na? Rectangular lamina. Okay? Right. So today I will not make that remaining on. That is with you. So directly I will go on that. So number 34. Number 34. Name is rectangular lamina of length L and breadth B. About axis perpendicular to spring. About axis perpendicular to its plane. Diagram kaise banega beta? Ekdum simple. Lamina hai. Aisa. Iska length L pakda. Breadth B pakda. Aur ye axis of rotation. Aur aise ghumega. I कितना आएगा? Rod के लिए कितना लेते हैं बेटा? ML square by 12 लेते हैं। उसका thickness कम करते हैं हम, एकदम छोटा। अभी यहाँ पे length ये, breadth भी है, तो L square plus B square, हाँ? तो M by 12, L square plus B square, तो पहले सब पहले से लिखने का जरूरत नहीं आप निकल है ना। अभी 35 सेम हाँ इसको क्या ऐसे बोलेंगे टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या बोलेंगे टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऐसे दिखेगा ऐसे दिखेगा अरे यहाँ पे मैं कहाँ पे ना यहाँ पे समझ जाओ यहाँ बीच बीच में नहीं है एंड को देखो यहाँ ऐसे घूमे पहले कैसे घूमता था अंदर था बेटा ऐसे पर ऐसे घूमे अब ये पूरा घूमेगा ऐसे यहाँ भी कितना आएगा एंगल स्क्वायर बाय 12 आएगा खाली वो एम बाय 12 और 4 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम बाय 12 ये आएगा 4 एल स्क्वायर प्लस अभी थोड़ा इसमें चेंज कर सेम ये भी सेम अरे टेंजेंट निकल रहा हो ना यहाँ पे निकल दो ना अभी अभी यहाँ पे अभी फोर कौन मिल जाएगा यहाँ पे ये एल है ना और ये बी है ना एल और बी वैसे ही जाएगा तो अभी बी के सामने कौन है सॉरी एल के सामने ये बी है ना और ये उल्टा हो एम y squared हाँ l squared plus 4bc put down plus मतलब जिस साइड पे ले रहे हैं उसके दूसरा साइड अगर ये लेन बोल रहे इसको तो 4 किसका लेने का ब्रेड का लेने अगर इसको इसको ले रहे हो तो इसका 4 लेने Thank you.
हो गया। टुडे इज वेनेसडे ना, थर्सडे वेनेसडे। बोलते हैं इसको, ये
ये बन गया आपका बी ब्रेड, ये थिकनेस और ये बन गया एल, है ना। अरे सॉरी, समझ गए ना, इसको बार बार में जोड़ सकते हैं एकदम स्लाइटली, थोड़ा नहीं क्योंकि वो लंबा ज्यादा टीडियस हो जाएगा, समझे गए ना, इसको जोड़ा नहीं। सिंपल है, अगर फर्स्ट वाला ऐसे ही है, फर्स्ट वाला में कौन कौन है, बी और टी है ना, ये बी और ये टी, ये फर्स्ट वाला है, तो ये बच जाएगा एम एम सॉरी बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय ट्वेल्व, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड के लिए बोलो आप, सेकंड के लिए कौन कौन है, पी और एल है ना, पी बी एम एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाला ये है, उसके लिए कौन कौन है, बी और एल है, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ट्वेल्व। और अभी ऐसे ही इसको अगर मैंने पैरल लिया तो जिसको पैरल दे उसको फोर कर दे, बाकी से सिंपल बता दो, थर्टी एट क्या करो, डायग्राम निकाल दिया, देखो बेटा ठीक से कॉन्सेंट्रेट करो, हो गया ठीक आ रहा है, गड़बड़ है या there, now we have to shift it this way, understood?
Arrest of. This one is there, na? You have to shift either here or there. Okay, I will shift that, na? Understood everybody? Okay, you know it. Yes, I. And this one, I will shift to here. Arrest of. So now see. This is my first one. This is my second one. And this is my third one. So जिसको parallel है बेटा, उसके लिए आपको करना है. Number one क्या करेगा बेटा आपका? बोलिए. हाँ. Number one. M. One. किसको parallel है? ये B है अपना. ये L है और ये T. इसके across नहीं है. L के across ना. So वो लेगा 4L square plus. कौन कौन है?
अभी दूसरा केस है उसमें है उन्होंने दिया हुआ, उन्होंने क्या दिया है फर्स्ट एक्सिस में कुछ चेंज कर दिया तो वो कुछ नहीं हो जाएगा चेंज। फर्स्ट के लिए क्या लिया मैंने बीटी लिया है, फर्स्ट कौन सा रखना ये वाला, तो इसको उन्होंने क्या किया इसको सेंटर से ना लेते हुए एक उसको ऊपर लिया, उसके कौन कौन है बी और टी को कट कर देखा बी और सी को मतलब इस एरिया को कट कर, तो इस एरिया को यहां से भी ले सकता हूं मैं, देखो इसको ऐसे घुमा सकता हूं, अरे देखो कैसे घुमा रहा हूं समझ रहे हो बेटा, ऐसे नहीं घुमा रहा हूं एक साइड से लेके पूरा घुमा रहा हूं ऐसा, तो ये एक्सिस बन गया। अब इसको ये एक्सिस दिया ये वाला एक साइड पे इस इधर बीच में ही जाएगा, कॉर्नर पे नहीं जाएगा बीच में, तो बीच में कहां पे आ सकता है यहां पे आ सकता है, तो ऐसे घूमेगा दरवाजे की तरफ है ना, दरवाजे की तरफ सोचो ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, यहां से तो ऐसे घूमेगा है ना बेटा, और यहां से तो ऐसे घूमेगा, वो एक्सिस उसका फॉर्मूला में देता हूं, कुछ नहीं एक का फोर लेने का दूसरे का जैसे आप ले रहे थे लेमिना का, तो लेमिना का ऑपरेट करेंगे यू विल गेट द आइडिया, लेमिना के लिए कर रहे थे ना फोर किसको लेने का किसको वन ही लेने का, दैट यू कैन डू और दैट रीडिंग माय पॉइंट सो दैट आई विल गिव यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आज मैं कैलकुलेशन करता हूं, एक्चुअली आई वाज डूइंग इट यस्टरडे बट आई वाज बिजी सेटिंग द पेपर, टुमारो इज द पेपर ऑफ 12th क्लास सो दैट आई वाज टाइपिंग आई वंट नो दैट 3, 2, 3 I was doing it. अतः क्या elliptical disc? 38 दिले ना पर 38 दिन तो ज़्यादा सोचो। Keep some place for you also. Keep some place. कितना दाखिल होगा? कितना दाखिल? Elliptical disc. इलिप्टिकल डिस्क, इलिप्स में क्या ना हाँ चलो ई डबल एल आई पी टी आई सी ए इलिप्टिकल डिस्क में आलो इलिप्स में क्या ना सर्कल है ना इलिप्टिकल minus
好。
water पाहिजे ना. How is doing giving the change? The wheel is moving and the dog is there and he is giving the shape to that. Press करेगी तो कमी होगी, है ना? So if I take the dog like that and if I go on pressing it, as the height increases from 0 to h, the radius will go on shrinking and at last point I will have a single point. That is the core. So in that way it has done. So nobody is going to ask you right now. You have to use the core. So I think it's enough. Laminar तो दिले ना, m square by 6, बरोबर ना? मत चेंज करें एबीसी है ना तीन तीन साइड येणार लॅमिनर बरोबर हां सो एम ए स्क्वेअर बाय 6 एम बी स्क्वेअर बाय 6 एम सी स्क्वेअर बाय 6 दॅट विल बी देयर दॅट यू विल सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द बॉडीज आई हैव गिवन यू द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट इज मीन बाय द रेडियस ऑफ direction. Okay, now for the rotational motion, I am going to give you one big sheet, but not right now because you have to study for the 13th exam, center of mass. So on Monday you will get this sheet. Okay, in that I will characterize the questions, okay, and those only questions you have to solve. So this all sheets I will not give you. I will find out special problems from that, and those only problems we have to solve, and that sheet you will solve in your notebook or anywhere, and you ask for the doubts. Okay, see, one question out of that is there. Let me read that. For example, find the moment of inertia. Don't write it. Find the moment of inertia of a cylinder of mass m, radius r, and length l about an axis passing through its center and perpendicular to its length. काय करायला लागणार आहे का? किती येणार सांगा डायरेक्ट. एम एस स्क्वेअर बाय 12 येणारच आणि एम आर स्क्वेअर बाय 42. 4 दिले ना, सो एम आर स्क्वेअर बाय 4 प्लस एम एस स्क्वेअर बाय 12 ऑप्शनच आहे. काय प्रॉब्लेम आहे का? दुसरा दिलाय असा दिलाय दाखवतो. सेकंड लॅमिना इज गिवन and they are telling to find out the mountain. Okay, so mostly they will give you the different shapes. Okay, and you are supposed to calculate the moment of inertia. Understood? Getting my point? Okay, so at first you have to get the idea of moment of inertia about different axes. If one axis is given and moment of inertia of different bodies. Okay, so for that I will give you some particular cases. Okay, not problems, we will discuss the cases. Okay, suppose I do have one dumbbell gele na, but I think we have done, which is made up of जो रॉड है बेटा, रॉड का तो मालूम है ना आपको, अरे सुन,
और ये ऐसा समझ लो, मतलब तीन ब्लॉक है ऐसा छोटा होता है ना, हेडिंग आ गया। अरे सर नो, ऐसा बना स्ट्रक्चर। तो इस सिस्टम को अगर मैं रोटेट करना है, each rod has mass m and length l, and now I have to find out its momentum in the chair about two different axes. Okay, this is one. Okay, this is axis number. Axis number 2 और ये axis number 3 क्या कर सकते हैं? Try करो क्या करेंगे? Finally I will give you the hint. क्या number 1 इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। हाँ, mi of 1 plus mi of 2 about that axis की करो बेटा। तो पहला वन कर ये फर्स्ट है ना, कितना आएगा? अरे करने का जरूरत नहीं होता, एम एल स्क्वायर बाय 12 फर्स्ट, सेकंड का एम एल स्क्वायर बाय 12, 16 का कितना बन गया? एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया। अरे ऐसा हो नो, इधर मैं लिख देता हूँ, इट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ml square by 12, ये बन गया ml square by 6, आंसर मिला, बन गया। सेकंड क्या करोगे बेटा? सेकंड भी इजी है, सेकंड के लिए दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले के लिए ये तो थ्री रॉड है, तो इसका वन का कितना आएगा मोमेंटम इनर्शिया, उसी एक्सिस पे बोला था मैं, अगर रॉड ऐसे ही घूम रहा है उसका जीरो पकड़ते हैं और इसका कितना आएगा, ये ऐसा घूमेगा, चलता है, नो प्रॉब्लम। रॉड के लिए किस एक्सिस पे रॉड ऐसा भी घूमे, अगर ऐसा घूमे ऐसा घूमे ऐसा घूमे नो प्रॉब्लम, एक्सिस तो बीच में ही जा रहा है। ओके, सो दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12 ओनली, एंड अबाउट दिस एक्सिस आल्सो एम एल स्क्वायर बाय, अरे सो या करो ये कैसे आएगा, प्लस 0 प्लस 0, 0 किसका आएगा, इसमें से एक्सिस चला जाएगा, इसके 0 है ना जी। अभी थोड़ा सा और बता, हो गया, डू दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट, यू मे कैलकुलेट दैट। रॉड लगा दिया,
Okay. पहले वाला केस ऐसा बन गया, ये बन गया आर, इसका मास एम वन, इसका मास एम टू, इसका लेंथ दिया मैंने एल, और ये बन गया एग्जैक्टली सेंटर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल बाय टू, ये भी बन जाएगा एवरेज। इतनी थोड़ा बड़ा था
sitting the question paper, na? They are from IIT. The persons working for 20, 30 years, having experience in different IITs. Like that, S.C. Verma sir is there, na? Yeah, I think he is the ex-professor. He was there for IIT Delhi and all. So they all are setting the paper, not us. So they will be taking care that the student will be finding it. It is of elimination method. They will be all eliminating everything. You will not find any option. So, not always, but sometimes you can use elimination method. Sometimes you have to use logic. What is to be done? Because that language in which it is asked, sometimes it is twisted. क्या पूछा उसके रूट तक पहुंचना चाहिए. एक बार पहुंच गए तो आएगा. कब आएगा? अगर ये किया है, अगर ये ही नहीं किया है, कुछ लॉजिक वगैरह सब. हाँ, क्या पूछा? बोले बोली बार को मैं that is not a preferred way of doing the work. If you are knowing the answer, then bubble. If you are not knowing, don't bubble. Getting my point? Because it is negative mark. For CET you can do more. 50 out of 50 questions you can do. No. For JE you cannot. JE. Those exams are there for which you have to face the negative mark. So try to attempt correct questions of which you are making answers. Questions are all correct. Answers. What are the correct answer you are knowing? Question number 5, I know that, I am confident. Attempt. Question number 6, I am not confident. Then there is a probability. 50% probability. Now it depends how much you have attempted. If you have attempted only 4 questions and 5th question has, it has a 50% probability. So there is a 50% probability of losing 1 mark out of remaining 4 for the 16. So 1 mark will be less. But if it will be right, then you will be getting 20 marks. Lalach. Greedy. So they will make you greedy for the marks. But you don't be greedy. You be confident. If you are confident, attempt the question. Now, the same you have done in last exams. That is why you have seen your score. Bright score. Everybody, I know that. Attempt के लिए भरपूर स्ट्रेस को attempt करते हैं, सगे attempt करते हैं. आज सोल्ला नहीं हुई, मैं बरोबर की क्या लेंगे? सर थोड़ी चुकी है. 10-15 क्वेश्चन सर चुकी है ना तुमसे? प्रत्येक सब्जेक्ट में डाले की थी, डाले इतने 30-45 मार्क्स आए, माइनस. अरे जी बिल्डर होते 30 × 4, ठीक ही है. One wrong answer means minus 5, not minus 1. It will eat your 4 marks. तुमसे wrong आला मतलब क्या? Attempt किया नहीं आसान चला थे. इतने 4 mark किए तुमसे मिलना होते थे. And plus तुमसे wrong attempt किया. बराबर ना? हाँ. आज इस पाउस पड़ गए हैं. छतरी पार्टी बची. थोड़ा सा क्या पानी? साफ. Now I am waiting on this. बारिश ही बारिश है. सब जगह से पानी आ रहा है. ऐसा नहीं होना. Okay? Don't want to waste your time. So also that was all about the moment of inertia. Okay? Now we'll go for next point that today I want to discuss with you. That's very simple. This is okay. This is called as pure rotational motion. What it is called as pure rotational motion. But beta, when we are studying the examples related with day-to-day life, they will be critical. Okay? So that we will start doing. Okay? But let me take the overview if anything is skipped. So I have to recall. We have completed moment of inertia, radius of variation. Basic moment of inertia derivations, correct? Then we have completed all the moment of inertia. Yes, we have seen some basic problems how to solve. This sheet I will give you on Monday.
Okay. So now we'll go for rolling. Okay, rolling motion. Right. Rolling. अरे काय आहे ना मध्ये तुम्ही सांगेल आय विल कंप्लीट There are two
it. Okay, so number one, types of kinetic energy. Aata bolte bhi kinetic energy hogi thi na? Haan, aata sab pure pure. Isme bhi type hai, total. Pehle wala kya hota hai? Usko bolte hain translational kinetic energy. Aur dusra kya hota hai? Rotational kinetic. Are you getting my point? Shall I go further? Types of kinetic energy. हाँ, पहले क्या होता है मैंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक, वो कैसे लिखेंगे? ई ट्रांस विल बी हाफ बोलो एम वी स्क्वायर है ना, ओके इधर को कॉन्सेंट्रिक सेंटर कॉन्सेंट्रिक इज कॉन्सेंट्रिक नो और वी किसका लेंगे बेटा?
v किसका लगेगा बेटा? वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। बॉडी क्या लेना पड़ेगा? तो किसका लेना? बोला अभी मैं, कौन मूव करता है? अगर बॉडी रोल करती है आगे कौन मूव करता है? और अगर बॉडी रोल नहीं करती, जस्ट रोटेट करती, तो कौन नहीं मूव करता है? जो सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ मास। The velocity we have considered here, that will be velocity of center of mass. समझ लगा? Body just rotate, just rotate. Center of mass नहीं होना, but body rotate करता करता roll करने लगी. Now body is moving, but body change करते हैं position. Position में जो structure है ना, वो अलग नहीं होगा. अतः x ना अलग. It will not move along y and z, है ना? It will just move along x. But how? Not slipping. Is rolling. So while body is rolling, center of mass will move. So in one complete rotation, what will be the displacement of center of mass? These are the simple questions you have to do. You have to deal with those questions. They are not cases. That I have to explain. Then only you get to answer. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. No problem. Okay, confident, satisfied. Shall we go ahead? Now, tell me, if a disc is there, disc mover, है ना बेटा? तो disc mover, यहाँ पे point मैंने A पर, है ना बेटा? इसका one complete rotation कब हो जाएगा? कि A जाएगा ऊपर, फिर से आएगा नीचे. ये वन कंप्लीट रोटेशन किया और फिर से बॉडी वैसे ही आ गया ए है. ये डिस्टेंस कितना करेगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2πr, है ना? यहां से यहां घूम गया. देखिए कितना आता है, 2πr आता है, नहीं है, है ना? तो हाउ मच द सेंटर ऑफ मास विल मूव डिस्प्लेस, दैट डिपेंड ऑन रेडियस. हियर इफ इट इज दिस देन रेडियस, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. ये कहीं आता नहीं है, सबूत में दिया नहीं रहता. वेन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू हैव टू थिंक. गेटिंग माय पॉइंट? So, when the body is rolling, the kinetic energy of the body will be translational kinetic energy and rotational. How about the translational kinetic energy will be mv square half r. कभी कभी क्या करते हैं? If you have to express I in terms of radius of variation, क्योंकि radius of variation में बोला था, it is related with distance from the axis of rotation, है ना? हाँ. So if sometimes if you are expressing, if we put I is equal to mk square, है ना? ये क्या बन जाएगा बेटा? हाँ, half mv square, हाँ, plus half I कीजिएगा mk square, वो भी कर सकते हैं. समझ गए बेटा? So मैं बोल सकता हूँ m by 2 into v square प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अरे ऐसा और ना हो गया. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? अरे वी जो आ रहा है ना, नाउ वी हैव टू फ्लिप इट अगेन एंड अगेन, वी हैव टू एक्सचेंज. ओके, ये वैल्यू पुट हियर, ये एक वैल्यू m by 2, v को क्या बोलते हैं? r omega, है ना? thank you. बस when we go for that, you can keep in mind, you can express omega in terms of v, है ना? and then r will come, and in that way we go on. So this, okay?
Okay. Now we, how much time is remaining? 15 minutes. One more case we will take, okay? Ready for that? Shall I run this? If the body is rolling now, if the body is rolling, but not on horizontal surface. Body is now rolling on inclined. Okay? Okay? Of inclination? Theta. Right? So, let's go H. And यहाँ से चल यहाँ से बॉडी का दिस दिस लेवल दिस हाँ ओके दिस ले लो सिलेंडर ले लो रिंग ले लो कुछ प्रॉब्लम सब मूव करते हैं ना रोल करते हैं ना जो जो रोल करता है वो इसमें आता है डिस्क आता है सिलेंडर आता है रिंग आता है सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर ओके एवरीथिंग अब यहां से It is going up. Okay? Okay. What will happen? What will happen when it is going up? Force will act on the body. So, body has to do some work against the force because it has to climb. Yes, sir. So it is going at a higher potential height. So at any point, suppose at this point, body has reached. Yes, sir. इसी का छोटा भाई रिजल्ट है जिसका आपने स्टडी किया है ये थीटा एच ये बॉक्स ये बॉक्स को मैंने स्लाइड करते करते यहाँ पे ले लिया है ना बॉक्स को इधर पर मतलब इनिशियली वेलोसिटी दिया उसको उसका राइट एंगल कितना हो जाएगा हाफ एमवी स्क्वायर वर्क एनर्जी में आपने किया होगा है ना लेकिन अभी एच चला गया तो पार्ट ऑफ द एनर्जी हैज कंज्यूम एंड इट विल बी डन वर्क विल बी डन एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हिच एनर्जी potential energy, mgh, अरे सर, हाँ, so part of this energy will be utilized as the potential energy, so kinetic energy of the body will go on decreasing and potential energy of the body will go on increasing, getting the point, so body if it is rolling, then also whatever the speed, whatever the velocity, roll करने के लिए उसको भी velocity देना पड़ेगा ना चढ़ाई पे जाना है गाड़ी है ना इफ यू हैव टू गो ऑन टू द टॉप ऑफ द हिल यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक्स ना यू हैव टू गो ऑन द टॉप ऑफ द हिल स्टीप इज व्हाट यू अप्लाई एक्सेलरेटर और ब्रेक एक्सेलरेटर है ना मींस यू आर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन मींस यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ना इंक्रीज क्यों करना पड़ता है आपको हाँ फोर्स कौन सा होता है डलान पे जाते तो एक्टिव होता है उसका हायर पोटेंशियल पे जाते गाड़ी हायर हाइट पे जाते तो उसको पोटेंशियल एनर्जी का तोड़ देती तो आपने जो इनिशियली गाड़ी को वेलोसिटी दिया आफ्टर सम टाइम दैट वेलोसिटी विल डिक्रीज अरे सर तो एनर्जी कौन सा रहेगा कार में जो एनर्जी है उतना ही रहेगा खाली वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो जितना कम हुआ है उतना आपको देना पड़ेगा ना इसलिए बार बार उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर एडिंग द पॉइंट तो यहाँ पे भी इफ द बॉडी वांट टू रोल गाड़ी आगे जाती मतलब टायर रोल करते तो सब फंडामेंटल सेम उसका सिंपल एक डिस्क है इट इज रोलिंग ऑन द प्लेन ओके सो ऑफ कोर्स इनिशियली डिपेंड्स ऑन सप्लाई द वेलोसिटी वी एंड हाफ एम वी स्क्वायर विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
it is moving with angular velocity omega, that will give its rotational kinetic energy. At this point, that will be the potential. So whatever the energy supply, क्या हो जाएगा अगर स्टॉप हो रही है, मतलब क्या हो गया, जितना उसको एनर्जी सप्लाई किया इट हैज टोटली कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो कल से हम थोड़ा सा इसको मेकिंग द केसेस, ओके, वी विल ट्राई टू डू इट्स वेरी सिंपल बट नॉट दैट मच ऑफ सिंपल एज यू थिंक. आपको थोड़ा काम करना है, थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह यू हैव टू डू. नाउ आई डोंट थिंक सो यू ऑल आर डूइंग इट नाइसली, देयर इज नो प्रॉब्लम. The thing is that to revise everything. Past का अपना काम क्या है? जो दिया है आपको, उसका सब power definition दिमाग में होना चाहिए बेटा, है ना? You must be knowing that, okay? मगर मत करो. Write and write no, never write it. नहीं तो हाँ दिया, उसको दिया, दो तीन बार, not like that. Just see that how it is coming. Once again after one day, once again. So just have a look on your notebook. That is my suggestion. Okay? And keep on solving the problems. That is main. So now I have given that DBP to you. Kinematics also I have given. Nobody asked me single question. Why? Exam pressure. Hai na? 13 la exam na? Kya kasa vicharayacha? काय काय दिले तुम्हाला तर बेसिक मॅथ्स, वेक्टर्स, कायनेमॅटिक्स हे कम्प्लीट केल्याशिवाय डब्ल्यू पी ची शीट्स मिळणार आपल्याकडे असं असतं. पहिलं काम करा तर पुढचं मिळेल, बरोबर ना? एक बिल्डिंग बांधायला घेते ती बांधलं कम्प्लीट करा ना, त्याचा पगार देतो तुम्हाला. मग सर तुम्हाला इकडे पण नोकरी लावा, या बिल्डिंगला पण लावा, दहा बिल्डिंग घेऊन पडतो, एकही बिल्डिंग बांधायला. व्हॉट इज दॅट? Whatever the building is given to you, you have to complete it, that project. Then I will give you the salary. Salary means marks. And then go for another project. आता तुमच्याकडे दोन प्रोजेक्ट आहेत, बेसिक मॅथ्स अँड कायनेमॅटिक्स. सो ट्राय टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम. हा, नाही तर मग उत्तर ती बिल्डिंग तशीच राहते. ओवर द पिरियड ऑफ टाइम नथिंग विल बी अपडेटेड इन दॅट. So, moral of the story, whatever the DPPs are given, each and every problem you have to solve, complete it. Once the work is complete, I will give you another one if you want to do more. The minimum is to complete each and every question given by me. Collisions, I have given the question. How? The first thing is that, about me, I do the checkup, it's not health checkup, and I have my notings with me, who has solved the given sheet, how many doubts the particular student has asked, everything I am noting. And once we are meeting with your parents, you have to discuss with them, na? At that time I discuss with them. I'm honest with my word. If you are doing it, I will say yes. Your ward is doing it nicely. No problem, sir slash madam, whatever. And if you are not doing, nothing, I will say false now. Whatever it is there, I will tell. He or she is not completing the DPP. Please see to it. Bus. Okay. So all the nuisances, whatever it is there, you have to face. I'll be sleeping at home at that night. You may not be sleeping properly at that. Okay? Asa kai nasta? But do it. Half of the topic is done. Now we'll go for rolling. Rolling we will complete. And angular momentum, conservation. Spinning top and all. Once we'll complete that, our teaching work will be complete. And then we'll go for deep. Understood my point? Now best of luck for 13 exam. Tomorrow maybe I will be starting with the preparation for the exam. Practice. So I will not solve the problems. Just I will give you the overview. Problems you have to solve on your own. Whatever are the given problems. So tomorrow what you do,
everybody come with the notes, lecture notes of COL. So whatever is taught by sir, whatever are the problems given by sir, I'll be taking the overview of it. Additionally, some problems I will also explain. Okay. So I think my time is over. I should stop. Yeah. 4:30. Good. Because I have to go for 12 class.